हेलो नेपाल, तो कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सीरियसली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस वक्त मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो इंडियन प्रशांत धवन की वीडियो है, जो के कह रहे हैं कि नेपाल का कोई पॉलिटिकल क्राइसिस में जाने वाला है। तो लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं कि क्या होने वाला है, बकौल उनके के वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो लेट्स चेक इट आउट, देन उस पर हम एक रिएक्शन देंगे सॉलिड किस्म का। तब तो अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ओरिजिनल क्रिएटर जो कि वर्ल्ड अफेयर्स क्या है, तो आप प्लीज़ उनको भी जाके सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ। 3, 2, 1, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहां पे आप देखेंगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहां पे आप देखेंगे एक और देश है नेपाल। नेपाल आज के समय काफी हद तक न्यूज में है बिकॉज ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही ये काफी कुछ कहते रहते हैं तो न्यूज में रहता है नेपाल, मगर अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे नेपाल में डेमोक्रेसी खतरे में है। इन्होंने अपना पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया है। बाय द वे, यहां पे आप अगर देखेंगे इस फोटो को, ये है नेपाल का पार्लियामेंट, द फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। जिस तरीके से भारत के संसद में आपको मिलेगा एक लोअर हाउस, मतलब के लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, वैसे ही यहाँ पे जो फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल है यहाँ पर भी है एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। मगर केपी ओली ने यहाँ पे क्या किया, अपने प्रेसिडेंट को ऑर्डर दिए। ऑर्डर ही होते हैं ऑलमोस्ट, हालांकि लिखने में होता है कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मगर दे आर ऑलमोस्ट ऑर्डर्स। ये कहा कि आप पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम ओली डिसॉल्व्स पार्लियामेंट एडमिस्ट पावर टसल। अब डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट डिसॉल्व? देखो, पार्लियामेंट डिसॉल्व होता है जनरल इलेक्शन से पहले। डिसोल्यूशन के बाद क्या होता है कि जो भी यहाँ पर ऑपोजिशन है, जो सिटिंग मेंबर्स हैं, इनकी पावर खत्म हो जाती है, सारी पावर आ जाती है पीएम के पास। आज के समय केपी ओली सबसे ताकतवर इंसान है नेपाल में। पहले भी काफी पावरफुल थे मगर उनकी पावर काफी हद तक बटी हुई थी। अपनी पार्टी के अंदर कई कमेटीज थी, वहाँ पे मेंबर्स थे ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, मगर केपी ओली ने यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया है। और इस निर्णय को लेकर नेपाल के लोग काफी चिंतित हैं। मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं नेपाल की तरफ से जो आ रहे हैं, वहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि ये एक तरीके का तख्ता पलट है, ये एक देशद्रोह है नेपाल की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। और अब देखना ये होगा कि केपी ओली इन द फ्यूचर करते क्या है, क्या ये नेपाल में फिर से इलेक्शन करवाएंगे। क्योंकि देखो, केपी ओली की टर्म वगैरह स्टार्ट हुई थी 2017 में और इनका टेन्योर था वैसे 2022 तक, और 2022 में ही नेपाल में होने थे अगले जनरल इलेक्शन, मगर अब केपी ओली ने स्थिति पैदा कर दी है जहां पर 2021 की शुरुआत में ही होंगे इलेक्शन। और तब तक केपी ओली है नेपाल में विद एब्सोल्यूट पावर, ये जो करना चाहें कर सकते हैं, इनको कोई रुकावट नहीं आएगी। सो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि केपी ओली का जो फैसला है ये क्या इंडिया को फेवर करता है या चाइना को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, नाउ केपी ओली ने यहाँ पर जो भी किया है ये किया है एब्सोल्यूट पावर के लिए, 100% पावर। अभी के लिए क्या है कि केपी ओली को अपनी पावर शेयर करनी पड़ रही है अपनी ही पार्टी में। जीएन की जो पार्टी है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी, वहां पर ही आप अगर देखो तो बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, फॉर एग्जांपल प्रचंड हैं और भी कई और नेता हैं। वो ये नहीं चाहते कि केपी ओली यहाँ पर बस जो वो करना चाहें वही करें। नाउ फॉर एग्जांपल, रिसेंटली केपी ओली ने एक ऑर्डिनेंस पास करने की कोशिश करी। इस ऑर्डिनेंस का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट। इस एक्ट में ये लिखा है कि केपी ओली के पास कंप्लीट पावर है कि जो भी क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स है डिफेंस में, फॉरेन अफेयर्स में, सिक्योरिटी में, ये केपी ओली कर सकते हैं और किसी की यहाँ पर एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा केपी ओली को। तो जो ये ऑर्डिनेंस है ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक डिक्टेटर वाला ऑर्डिनेंस था। नाउ इस ऑर्डिनेंस को लेकर केपी ओली ने विरोध फेस किया, ना सिर्फ अपोजिशन पार्टी से, अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी से लोगों ने ये कहा कि नहीं, इससे आपके पास बहुत सारी पावर आ जाएगी, तो हम नहीं मानते कि ये ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए। ना ऑब्वियसली केपी ओली को ये बात पसंद नहीं आई, वो चाहते थे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स वो फेस ना करें और इसलिए इन्होंने यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया है पार्लियामेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आने वाले कुछ महीनों तक जब ये कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर में होंगे तो जो ये निर्णय लेंगे क्या ये बहुत ज्यादा प्रो चाइना हो सकते हैं? तो इसकी पॉसिबिलिटी कुछ हद तक है कि ये काफी निर्णय लें जिससे चाइना को काफी फायदा हो और इंडिया को लॉस हो। ये निर्णय हो सकते हैं एक डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में विद चाइना, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है रिगार्डिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ये थमा दे चाइना को, या फिर लोन भी ले सकते हैं चाइना से। ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। मगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया चाइना से रिलेटेड ये कोई निर्णय ना ले, सारे निर्णय यहाँ पर ले अपनी पोजिशन को जरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आने वाले कुछ महीने मैं कहूंगा नेपाल की पॉलिटिक्स के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एक बार ये महीने बीत गए और अप्रैल में 2021 में नेपाल के चुनाव शुरू हो गए, तब यहाँ पर ये देखना होगा कि नेपाल में फिर से पावर में कौन आएगा। क्योंकि अभी के लिए ये बात तो तय है
कि जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी थी इसमें विभाजन होगा, कई नेता यहाँ से टूट के निकलेंगे, तो देखना ही होगा कि यहाँ पर कौन सी नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है और लोग इवेंचुअली किसको वोट करते हैं। क्योंकि देखो आज के समय नेपाल में जो लोग हैं उनका जो आकर्षण था कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति ये काफी हद तक कम हो चुका है। 2015 से पहले आप अगर देखो तो नेपाल था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब कि एक राजा था और उसके नीचे काम करता था एक प्राइम मिनिस्टर और साथ में इलेक्शन भी होते रहे, जिस तरीके से यूके में होता है, वहां पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड है मगर प्राइम मिनिस्टर उनके अंडर काम करते हैं। सो इस सिस्टम को खत्म किया था नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने। और रिसेंटली हमने ये देखा है कि नेपाल में बहुत जगह रैलीज निकली है अपने राजा के सपोर्ट में। लोग कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो नए कम्युनिस्ट पावर में आ चुके हैं इनके बस की नहीं है कि ये नेपाल को संभाल पाएं, ये नेपाल की पॉलिटिक्स को समझ पाएं, ये नेपाल के लोगों की जो जरूरतें हैं ये समझ पाएं। इसीलिए रिसेंटली नेपाल के लोगों ने नारे लगाए हैं सड़कों पर कि राजा आओ और देश बचाओ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया नेपाल के इलेक्शन। यही पॉसिबिलिटी है कि एक प्रो मोनार्की जो पॉलिटिकल पार्टी है ये भी वापस पावर में आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि जो प्रो किंग पार्टी है, प्रो मोनार्की पार्टी है, ये ज्यादातर होती है काफी राइट विंग और ये चाहती हैं वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं ये ज्यादातर फेवर करती हैं चाइना को। सो आप अगर शॉर्ट टर्म में केपी ओली जो भी करते हैं, जो भी प्रो चाइना निर्णय लेते हैं उसको आप अगर इग्नोर कर दो, आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो तो एक्चुअली केपी ओली के निर्णय ने चाइना को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि आप सोच कर देखिए जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी ये प्रो चाइना थी और केपी ओली ने ऑलमोस्ट यहीं पर करा दिया एक विभाजन, तो चाइना का नुकसान हुआ है। और आप बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, और इंडियन मीडिया भी यहाँ पर यही लिख रहा है कि केपी ओली ड्रॉप्स ए बॉम्बशेल एट राइवल्स दैट ऑल्सो हर्ट्स चाइना, जो चाइना को भी नुकसान पहुंचाता है। चाइना की जो ऑनवॉय है, जो इनकी एम्बेसडर है टू नेपाल जिनका नाम है हो यान क्वी, इन्होंने पूरी कोशिश करी कि कैसे भी कर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक रहे, यहाँ पर विभाजन ना हो। कई बार इन्होंने कोशिश करी है कि केपी ओली को ये समझाएं कि पावर स्ट्रगल में जो पॉलिटिकल पार्टी है ये ना तोड़ दे, मगर इन दी एंड यहाँ पर जीत हुई है ग्रीड की, जीत हुई है पावर की। और सिंस केपी ओली ये नहीं चाहते कि जब ये रूल कर रहे हैं, जब ये राज कर रहे हैं, तो प्रचंड या फिर बाकी नेता ये इनको टोके, ये इनको ये कहे कि नहीं आपको परमिशन लेनी होगी, ये चाहते हैं कि कंप्लीट कंट्रोल हो इनके पास। इसके लिए ये करवा रहे हैं फिर से इलेक्शन। और मोस्ट प्रॉब्ली केपी ओली को यहाँ पर उम्मीद ये है कि ये फिर से बड़ी मेजोरिटी के साथ पावर में आएंगे इन नेपाल। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी फिर से नेपाल में पावर में आती है सो इट विल बी अ विक्ट्री फॉर चाइना, या फिर अगर कोई और पावर में आता है तो इट विल बी अ विक्ट्री फॉर इंडिया। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की अगर हम बात करें तो जरा टाइम पहले ये फॉर्म हुई नहीं थी, ये एक्चुअली फॉर्म हुई थी 2018 में जब दो पॉलिटिकल पार्टीज की यूनिफिकेशन हुई थी। एक तो है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवेस्ट सेंटर। और जब से ये यूनिफाइड पार्टी पावर में आई है चाइना ने इंटरनेशनली इस पार्टी को बहुत प्रमोट भी किया है, क्योंकि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है और चाइना ने इस पार्टी को बहुत प्रमोट भी किया है। यहाँ पर आप देखेंगे चाइना का एक न्यूज पोर्टल है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेपाल अब स्थिरता देख रहा है, नेपाल काफी हद तक स्टेबल है अंडर साउथ एशियाज लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं ये इवेंट चाइना के लिए काफी नेगेटिव है। इनका बनाया हुआ एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आज के समय बिखर रही है, ये टूट रही है। मगर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि चाइना काउंटर करके अपना कंट्रोल यहाँ पे बढ़ा दे। अगर केपी ओली डेमोक्रेसी खत्म कर देते हैं ऑल टुगेदर नेपाल में और नेपाल में ले आते हैं एक सिंगल पार्टी सिस्टम, इससे इक्वेशन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। तो ये देखना होगा इन द कमिंग फ्यू मंथ्स के नेपाल में क्या होता है। नाउ इस डेवलपमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके हिसाब से इन द फ्यूचर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी तो फ्रेंड्स वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। काफ़ी एग्रेसिव स्पीच थी यहाँ पे प्रशांत धवन की, वो इसलिए कि अभी लास्ट कुछ मंथ हो गए हैं कि हम देख रहे हैं कि जो नेपाल है उनका वाकई में झुकाव चाइना वाली साइड पे हुआ है, वो थोड़े से जो है इंडिया से हटे हैं, तो उससे इंडिया को भी काफ़ी मतलब के अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े हैं। और उसको ये डर है कि अगर नेपाल चाइना वाले बैच में चला गया तो वो हो सकता है कि चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ एरियाज जो इंडिया के हैं वो टैकल कर ले, बट इट्स नॉट अ ईजी यू नो। तो कोई भी किसी भी कंट्री की सरजमीन इतनी आसानी से हड़पना कोई आसान काम नहीं है। तो ये अब मुझे नहीं पता कि क्या उधर की पॉलिसीज़ हैं और इंडिया की क्या पॉलिसीज़ हैं, बट पहले ये होता था कि जब हमें याद है कि पहले तो इंडिया और नेपाल कितने अच्छे रिलेशंस होते थे कि वहाँ के जो अवाम है वो इंडिया में विदाउट वीज़ा आ सकते थे और वहाँ पे काम भी करते थे और इजीली अपने घरों को भी जा सकते थे।
तो अब जो कि इन डेज आई थिंक कि ये चीज़ है अभी भी, बट उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पहले होती थी। पहले उनके जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स थी वो बहुत अच्छी थी, बट अब जो ये जब से आए हैं पीके ओली, तो तब से जो है ना उनके रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा सा गैप आया है, और काफ़ी वहाँ से अग्रेसिव जो है ना वो भी देखने को मिला है एटीट्यूड वगैरह। तो अब आई डोंट नो कि क्या इनकी आपस की पॉलिसीज हैं, कौन किसके फेवर में है, बट अभी जो मैंने ये देखा उसमें सीरियसली ये एक फिक्र करने वाली बात है। वो बात ये है कि किसी भी कंट्री का जो कि जो है ना मतलब कि पार्लियामेंट होना तो वो लाजमी है। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पर कानून जो भी नए कानून आते हैं वो जो उस असेंबली से अप्रूव करवाए जाते हैं, वोटिंग होती है। तो अब वो सीन नहीं होगा नेपाल के अंदर, जस्ट वन मैन शो होगा, जो भी कानून वो पास करना चाहे इजीली कर सकते हैं। तो आई होप सो कि वो कानून नेपाल के हक में हो और उससे नेपाल को बेनिफिट्स हो, ना कि लॉस। तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी करना, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।